ज्यादा मेरी तारीफ की मुख्य अतिथि लगता हूँ मैं, मुख्य अतिथि आपका बेटा भाई ज्यादा लगता हूँ ना जी। तो मैं अपनी बात रखूँ उससे पहले मैं महामानव तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ, क्योंकि 2500 साल पहले तथागत ने जो मेहनत से, जो सोच से, विचार से जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, पूरी दुनिया में उसको प्रसारित किया, पूरी दुनिया को बताया कि जीने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या है। तो उस अरहत, उस महामानव के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके बदौलत मेरे चेहरे पर तो तेज है ही, मुस्कान है ही, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा ही है, इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको सुरक्षा का भाव है, उन सबको मान सम्मान महसूस होता है, उन सबके नाम के आगे, किसी के नाम के आगे शिक्षक लगा है, किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा है, किसी के नाम के आगे इंजीनियर लगा है, किसी नाम के आगे इधर ओटी असिस्टेंट लगा है, इधर सिस्टर बैठी हैं, डॉक्टर संतोष बैठे हैं, मान्यवर जादूगर जी बैठे हैं, उधर पवन जी बैठे हैं, उधर ललन जी बैठे हैं। तो हमें लगता है कि इस सभा में, इस छोटे से आयोजन में जितने लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो बाबा साहेब की ऋणी है, बाबा साहेब से सीधे तौर पर जुड़े हैं। भारत में बसने वाले वो लोग जो अपनी सुरक्षा, अपनी शिक्षा, अपना मान सम्मान सब कुछ समझने की कोशिश करे, तो बाबा साहेब की बदौलत है। इसलिए बाबा साहेब के प्रति अपनी कृतज्ञता, या कहें कि ऋण के भाव से मैं अपना शीश नवाता हूँ और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और जितने भी संत हुए हमारे समाज में, भारत की धरती पर, चाहे वो संत गाडगे हों, चाहे वो उस जमाने में 16वीं-15वीं शताब्दी की बात करें, तो संत रैदास की हम बात करें, उस महामानव की बात करें, उस दौर में जब मनुवाद का दौर था, जब असमानता की खाइयाँ इतनी गहरी थी, जब मानव को मानव नहीं समझा जाता था, मानव के बीच में इतना भेदभाव था, उस दौर में भी उन्होंने बातों बातों में, सही कविता में, गीत गाना में सारी बातें कह दी कि हमको ऐसा राज चाहिए जहाँ सबको समानता का अधिकार मिले, हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले। तमाम बातें जो हैं संत रैदास ने बातों बातों में कह दिया, और आज हमारे समाज का हमारे समाज के रविदास, जिन्हें हम कहते हैं कि रविदास भाई लोग, हाँ, चर्मकार भाई लोग, वो लोग ज्यादा दावा करते हैं कि संत रैदास हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं। तो हमारे नहीं, हम सबके, पूरे भारत के भगवान हैं, भग्न करने वाले हैं बुराइयों के। पूरी साहस के साथ उन्होंने बुराइयों का सामना किया, बुराइयों को खात्मा के लिए अपने विचार दिए और ऐसे ऐसे युक्ति दिए जिस पर यदि हम चलें तो हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे और एक मजबूत समाज का निर्माण कर पाएंगे। उसी कड़ी में आप देखेंगे कि संत गाडगे, संत तुकाराम, संत अछूतानंद, ये सब ऐसे महान पुरुष थे, ऐसे बहुजन नायक थे जिन्होंने समाज में रहते हुए जितनी बुराइयां थी, जितनी मुश्किलें थी, उन सबको बहुत करीब से देखा, महसूस किया, सिर्फ महसूस करके चुप नहीं रहे, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से अपनी लड़ाई मजबूत की और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस प्रकार से समाज को बदला जा सकता है, समाज को आईना दिखाया जा सकता है, समाज को सही दिशा में निर्देशित किया जा सकता है। जैसे अभी संत गाडगे बाबा का बड़ी चर्चा हो रहा था, संत गाडगे बाबा धोबी समाज से होते हुए अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, किताबी ज्ञान नहीं था, कहने का मतलब विद्वान तो बहुत थे, विद्वता का पढ़ने से, किताबों से, डिग्रियों से संबंध तो है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति भी जो समाज का व्यक्ति है, वो समाज में क्या मुश्किल है, कैसे समाधान होगा, अपने लोग कैसे मुश्किल से बाहर निकलेंगे, ये सब चीजों को बहुत समझते थे। और उस दौर में भी और इस दौर में भी कई ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिनके पास किताबी ज्ञान नहीं है, उनके पास BA, MA, PhD सब ऐसी डिग्रियां नहीं है, उनके पास अपने समाज के लोगों की मुश्किलों का इतना अनुभव है, इतना लंबा, कि वो आपको रास्ता दिखा देंगे और उस रास्ते पर आप अपना, अपने समाज का, अपने देश का भला कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी महान पुरुष हुए हमारे समाज के, जिन्होंने अज्ञानता के गहरी समंदर में, गहरी खाई में, इतना मुश्किल में भी उन्होंने हमारे सुरक्षा का, हमारे बदलाव का, हमारे मजबूती का, इन सब का सूत्रपात किया, शक्ति हमें दिया, हमें विचार दिए,
ऐसे तमाम जो महापुरुष हैं उन सब के प्रति अपना स्नेह समर्पित करता हूं। और यहां बैठे बहुत लोग साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज का नाम सुने होंगे। छत्रपति साहू जी महाराज का मैं बहुत सम्मान के साथ इसलिए नाम लेता हूं कि आज के दौर 2020 में हम लोग जी रहे हैं। 20 बरस के एक लड़के से पूछिए कि भैया तुम अपने गाँव के बारे में क्या सोचते हो, कुछ गाँव का कल्याण करोगे, गाँव की समस्याओं के बारे में तुम्हारी अपनी कोई राय है, तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएगा। वो 4G मोबाइल और उसी में देखना और उसी के बारे में बातचीत करना इतना ही होगा। साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज जिन्हें गायकवाड़ साहब कहते हैं, 20 बरस की उम्र में उन्होंने राजपाट संभाला। 20 बरस, ध्यान रखिएगा, 20 बरस। यहाँ कई लोग हैं जो 20 बरस उम्र के होंगे। साहू जी महाराज ने 20 बरस की अवस्था में राजपाट संभाला और पहले ही संबोधन में क्या कहा कि ये जो लोग हैं इन्हीं से मैं हूं, लोगों की खुशहाली से ही मेरी खुशहाली है, इन्हीं से ही मेरी तरक्की है और राज की मजबूती है जब ये लोग मजबूत होंगे। और बात यहीं तक नहीं हुई, साहू जी महाराज भी बहुत इन चीज़ों को महसूस करते थे, देखते थे कि हमारे समाज में असमानता की कितनी खाइयां हैं, किस प्रकार से ब्राह्मणवाद है, किस प्रकार से कोई आदमी जो है कि श्रेष्ठता की का शिखर पर बैठा हुआ है और किस प्रकार से कुछ लोग जो है कि जमीन पर एकदम बिल्कुल है, एकदम निम्न स्तर पर है, उनके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जाता है। तो इस पीड़ा को महसूस करते हुए छत्रपति साहू जी ने सिर्फ बातों में नहीं, बातों के सिर नहीं, एक से एक बृहद काम किया। कुछ बातों की मैं जिक्र करना चाहूंगा। जैसे जातिगत भेदभाव इतना ज्यादा था तो कैसे मिटेगा, तो छत्रपति साहू जी महाराज राजा होते हुए भी एक बार एक ऐसे व्यक्ति के दुकान पे चले गए जो दलित था और चाय बनाता था। उस समय दलित के दुकान पे खड़ा होना भी अभिशाप माना जाता था। छत्रपति साहू जी महाराज राजा होते हुए भी दलित के दुकान पर जाकर उन्होंने चाय पी करके ये उदाहरण सेट किया, ये सबको बताया कि जाति जैसा कुछ भी चीज नहीं होता है, ये दिमाग की उपज है, दिमाग के अंदर बैठा हुआ ये मल है, कचरा है, गंदगी है जो हम सबको जातिगत विषमता में बिखरे हुए हैं, हम लोग दूर दूर हैं इस तरीके से। और आप सोचिए कि जब राजा बन गए, अपने राज में देख रहे हैं, राजपाट चलाने के दौरान उन्होंने देखा कि हमारे राज में सभी जाति के, सभी समुदाय के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग रहने वाले हैं, लेकिन ये क्या कि 90% लोग जो है, 90% जो काम काज है, जो कब्जा है, वो चंद लोगों का है, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे ऑफिसर हों, चाहे देखने वाले लोकपाल हों, चाहे मुनीम हों, सब देख रहे कि ब्राह्मण लोग हैं। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने इस पीड़ा को महसूस किया और एक गजब का बहुत साहसिक प्रावधान किया अपने राज में। 20 बरस का राजा, याद रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, 20 बरस का व्यक्ति अपने गांव के बारे में नहीं सोचता है और 20 बरस उम्र में कोई राजा बनकर अपने पूरे समाज के बारे में, अपने राज्य के उत्थान के बारे में, अपने राज्य की तरक्की के बारे में सोच रहा है, कितना अचंभा है। ये 20 बरस के युवाओं को यही आज प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जब हमारे राज्य में सभी तबके के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, तो ऐसा क्यों हो कि चंद मुट्ठी भर लोग, चंद संख्या वाले लोग पूरे कुंडली मार के कब्जा किए रहे। तो उन्होंने अपने राज में एक प्रावधान किया जिसे हम लोग प्रतिनिधित्व या आरक्षण कहते हैं। 50% आरक्षण उन्होंने दिया उस समय। बोला कि नहीं भाई, सबको मौका मिलेगा, सब मुंशी मुनीम बनेगा, सब ऑफिसर बनेगा, सब इधर कलर किनारी बनेगा हमारे राज में। और उन्होंने जाति विनाश के लिए, जातिगत भेदभाव विषमता थी इसको मिटाने के लिए ये कोशिश की। कोई राजा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस प्रकार का कोशिश जो है जमीन पर बंद कर दिया। मेरी आवाज आप तक बहुत अच्छे से पहुंचेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम बढ़ा सकते, पूरा है बैटरी चार्ज, धीरज रखें आप। बहुत प्रैक्टिस किया मैंने अपनी ऊंची आवाज बोलने के लिए बहुत दिनों तक। तो छत्रपति साहू जी महाराज 20 बरस की उम्र में, आप ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने बहुत साहसिक कदम उठाया, अपने समाज के लोगों की पीड़ा को महसूस करते हुए 50% आरक्षण का प्रावधान किया। इसलिए गायकवाड़ साहब को, छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक कहा जाता है, आरक्षण का जनक कहा जाता है। और उस समय उनके राज में एक विशेष प्रकार की जाति होती थी जो दलित जाति थी, उस जाति को चोर समझा जाता था और समाज का ऐसा नजरिया था उनके प्रति कि सब आएगा तो लूट के भाग जाएगा, ऐसा बना हुआ था। अंग्रेजों के दिमाग में भी यही डाला गया था कि सॉरी सब निकलेगा जंगल से और लूट के भाग जाएगा, तो ऐसा हो गया था कि उनको देखते के साथ जेल में डाल दिया जाता था। वो समाज जो दलित समाज था, जो शिक्षा से, सामाजिकता से, राजनीति से, तमाम चीज़ों से वो वंचित था और जंगलों में डर के छुप के रहता था क्योंकि समाज का नज़रिया ऐसा बना हुआ था। साहू जी महाराज ने अंग्रेजों की सिफारिश करके अपने राज में अपना जब कब्जा उनका आया तो उनको लाला करके बस्तियां बसाई, बोला कि ये भी समाज का अभिन्न अंग है, ये दलित भाई भी, इनको मौका नहीं मिला, समाज की नज़रिया ऐसी बन गई है, अंग्रेज भी ऐसा सोचते हैं। मैंने तमाम अंग्रेजों को बताया होगा, समझाया होगा और ऐसा प्रावधान किया कि उनको ला कर बस्तियाँ बसाएगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सोच है, सोच
एक गांव गांव का जो एक 40 बरस का आदमी है उनमें भी ये सोच होनी चाहिए कि गांव में क्या ऐसा किया जाए कि भाई सब लोग शिक्षा के दिशा में मुड़ जाए, सब लोग एकजुटता में लग जाए, सब लोग बराबरी की बात करें, सब लोग परस्पर सहयोग की भावना से सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए मैं साहू जी महाराज का, गायकवाड़ साहेब का मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने दूर तक चले गए पढ़ने, विदेश चले गए, वहां से पढ़ाई करके आने के बाद अपनी पूरी ताकत का, पूरे सामर्थ्य का, अपनी डिग्रियों का, अपने पढ़ने का, हमारे लोगों की खुशहाली के लिए, हमारे लोगों के मान सम्मान के लिए, हमारे लोगों के अधिकारों के लिए, हमारे लोगों के जो पैरों में हजारों साल से गुलामी की बेड़ियां थी उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब ने जितना प्रयास किया, उस प्रयास की सूत्रपात कहें या उस प्रयास का बीजारोपण ही कहिए कि साहू जी महाराज गायकवाड़ साहब के प्रयास से होता है। सशर्त उनको 20,000 रुपया का एक तरह से पैसा दे करके कि तुम आप जाओ और पढ़ो। और भरी सभा में उन्होंने कहा कि बहुजनों की या दलितों की कहें, मुक्ति दिलाने वाला एक नायक मिल गया है अंबेडकर के रूप में। क्योंकि जब उनको पैसा देने की बात आई तो पहले उनको बुलाया, बोला कि पढ़ के क्या करोगे, इतना पैसा लेके जाओगे विदेश में आके पढ़ के क्या करोगे। बाबा साहब का बात सुन करके वो अचंभा रह गए, बोले कि महाराज मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि पढ़ करके मैं अपनी क्षमता या अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहता हूँ ताकि करोड़ों भारतीय जो हजारों साल से गुलामी के बंधनों में जकड़े हुए हैं उन सबको मुक्ति दिला सकूं, उन सबको मान सम्मान दिला सकूं, उन सबको मनुष्य हैं ऐसा महसूस होने का अधिकार दिला सकूं। ऐसा जब बोला तो गायकवाड़ साहब का दिमाग का बत्ती गुल हुआ कि ऐसे ऐसे लोगों से तो मैं मिला ही नहीं। इसलिए उन्होंने सशर्त उनको पैसा दिया कि तुम पढ़ कर क्या होगे तो हमारे राज में ही तुमको काम करना पड़ेगा। और उनको विदेश भेजा पढ़ने के लिए। और बाबा साहब विदेश में पढ़ करके जब आए तो क्या कुछ उन्होंने किया हर व्यक्ति आज जानता है। साहित्य है, किताबें हैं, चर्चाएं हैं, चाहे वो 14 अप्रैल की बात हम करें, चाहे 6 दिसंबर अभी गुजरा हम लोगों ने बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया, इस सब अवसर पर हम लोग बाबा साहब ने क्या क्या किया। अभी मान्यवर जादूगर साहब ने बहुत कुछ बताया कि हम सब की जुबान में आवाज़ देने वाले, हम सबको मान सम्मान देने वाले, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान देने वाले, आज बढ़िया सुंदर सुंदर गहना पहन करके बैठी हैं, इस बात का भी हक देने वाले बाबा साहब। ये कैसे हुआ? साहू जी महाराज के सोच से, उनके दूरदर्शिता से। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक व्यक्ति को पढ़ाएंगे और जैसा ये विचार बता रहे हैं बाबा साहेब कि मैं पढ़ करके अपने समाज की मुक्ति का मैं द्वार खोलूंगा। और देखिए कि हुआ भी। तो मैं एहसास बस इतना दिलाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अजूबा कर जाता है, एक व्यक्ति अजूबा कर जाता है। और ये अजूबा एक व्यक्ति के लिए नहीं करता, पूरी दुनिया के लिए कर जाता है। आज पूरी दुनिया में उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कुछ तो खास होगा ज्ञान के लिए उन्होंने किया होगा। ज्ञान के लिए यही किया उन्होंने कि एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी एहसास दिलाया कि तुम्हारे अंदर यदि आत्मविश्वास है, लगन है, ललक है, पढ़ाई के प्रति समर्पण है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं अपनी बात ही कहता हूँ कि आज ये जो भी अपने जीवन में मैं देख रहा हूँ सब सपने ही जैसा लगता है। कोट पहनना, गाड़ी पर चढ़ना, आप सबके बीच में आना, डॉक्टरी इलाज करना, जिला अस्पताल में कार्यरत रहना, ये सब चीज़ सपने जैसा लगता है। क्योंकि 20 साल पहले की बात पूरा पूरा याद है अच्छे से। 20 साल पहले 20 साल के होंगे तो 20 साल के बाद ना याद होगा, साहब तो राजा बन गए और हम 20 साल में तो डॉक्टर बनने का खादे खाली देखे थे, वो तो राजा बन गए थे। तो 20 साल की सारी बातें याद है, किसने मेरा उपहास किया, किसने मुझ पर भरोसा जताया, किसने मुझको सहयोग किया, लेकिन वो सब कहानी है। किसी भी व्यक्ति को मेरे संघर्ष से कोई मतलब होगा? हम कितना कष्ट सहे उससे बेसी मतलब होगा? नहीं होता है। हर व्यक्ति को सफलताओं से मतलब होती है। आप सबको भी हमसे स्नेह इसलिए है या जुड़ाव इसलिए है क्योंकि मैं आज चल करके आया, मैं आज एक रास्ता खोज करके आपके बीच में आया, इसलिए जुड़ाव इस तरह से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में तय कर ले तो वो तमाम मुकाम, तमाम चीज़ें हासिल कर सकता है। इसलिए मैं साहू जी महाराज के प्रति विशेष आभार करता हूँ। इतना बात मैंने इसलिए बताया उनको। आगे की कड़ी में आप सब देखेंगे कि बाबा साहेब के बाद बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, उनका जो सपना था, सब ठंडे बस्ते में चला गया था। सब भूल गए थे कि बाबा साहेब भी कोई चीज़ थे, साहू जी महाराज भी कोई चीज़ थे, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले जैसे भी कोई नाम था, ये लोग कुछ किया, ये सब कोई भूल गए थे। इन तब अच्छा महिलाएं यहाँ बैठी हैं, उधर माइक की तरफ में देखिए, हमको देखिए, मैं खुद माइक हूँ, आवाज़ जा रही है अब तक। तो आप सब ने सावित्री बाई फूले का नाम सुना है? सावित्री बाई, माता सावित्री बाई फूले का नाम सुना है? सुना है। सावित्री बाई फूले का नाम सुनना बड़ी जरूरी है। बड़ी आश्चर्य लगे आपको, मैं सब बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा खुद आश्चर्य करता हूँ हर दफा। जब सावित्री बाई फूले की शादी हुई ज्योतिबा फूले से, तो ज्योतिबा फूले का उम्र कितना? 13 बरस। सावित्री बाई फूले की उम्र कितना? 9 बरस। 9 बरस, 13 बरस और 9 बरस। 9 बरस में शादी होगा तो आदमी क्या होगा? पागल हो जाएगा। कहाँ जाए, क्या क्या हो रहा है, सब चीज़ कुछ समझ में नहीं आएगा। ना कपड़ा पहनने का सहूर, ना धोती बांधने का सहूर। अब आप इसी बात से उम्मीद लगा सकते हैं
माता सावित्री बाई फुले की जब शादी हुई तो 9 बरस उम्र, जिससे शादी हुई ज्योतिबा फुले उसकी 13 बरस उम्र। शादी तो हो गई, शादी के पहले सुहाग रात में सावित्री बाई फुले रोने लगी। तो पूछे काहे रो रहे भैया, कोई दिक्कत? तो उनको बातों बातों में एहसास हो गया कि सावित्री शादी करके मेरे पास आई है, मेरे घर कमरे में इतनी किताबें हैं, इसको तो किताब का कुछ ज्ञान नहीं है, अक्षर नहीं है। ये सोच सोच के सावित्री रहने लगे कि मेरे जिससे शादी हुई है वो इतना किताब वो सब देख रहे हैं, ज्ञान की बातें देख रहे हैं, पुस्तक है, पुस्तकों का भंडार है, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। ज्योतिबा फुले ने इस बात को बहुत महसूस कर लिया अंदर तक, बोला कि देवी रोने की आवश्यकता नहीं है, आज से ही क्रांति का आगाज करते हैं। और उन्होंने ये बहुत 13 बरस की उम्र में ही ये सब कुछ महसूस कर लिया था, सब समझ लिया था कि हमारे समाज के लोगों की मुश्किलें क्यों हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा जबरदस्त बात बोला कि शिक्षा बिन नीति गई, नीति बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन अर्थ गया, और अर्थ मतलब पैसा, और पैसा गया तो का फिर करवा, न इलाज है, न शिक्षा है, न विज्ञान है, न ज्ञान है, न अधिकार है, फिर तो फिर कटोरा लेकर भीख मांगना है। तो इसलिए ज्योतिबा फुले ने बहुत कम उम्र में इस बात को समझ लिया था कि शिक्षा ही वो हथियार है, वो मशाल है, जिसके दम पर समाज की तमाम बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है, चाहे जातिगत भेदभाव हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे जितने भी आप बुराइयों का मैंने लिस्ट बना सकते हैं, वो सभी बुराइयों का खात्मा जो है शिक्षा के दम पर किया जा सकता है। इसीलिए ज्योतिबा फुले ने ऐसा बात बहुत नाप तुल के 5 लाइन में पूरा जो है कि एकदम सब बात कह दिया कि शिक्षा बिन नीति गई, नीति बिन मति गई, मति बिन गति, और गति बिन अर्थ, यानी कि पैसा, और पैसा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हमारे लोगों के सबसे बड़ी समस्या ही थी कि शिक्षा नहीं होने के चलते सीधे अर्थ की कमी थी, धन दौलत की कमी थी, और लोग मुश्किलों में रहते थे, न इलाज करा पाते थे, न बोल पाते थे, न खुश हो पाते थे, न अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते थे। ज्योतिबा फुले ने ये महसूस करते हुए इस बात की जरूरत महसूस की कि यदि हम शिक्षा पर ही यदि हम काम करना शुरू करें, पढ़ने पढ़ाने पर यदि हम लोग काम करें तो कुछ बदल सकता है, समाज की मुश्किलें हिल सकती है, सामाजिक क्रांति हो सकता है, सामाजिक बदलाव हो सकता है। इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को ही ढाल बनाया। तो ये कैसे संभव हो पाया? उन्होंने अपनी पत्नी जो 9 बरस की उम्र में शादी हुआ था, सबसे पहले उन्हीं को पढ़ाना शुरू किया। बोला हम अकेले प्रयास करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, और हम अपनी पत्नी को भी यदि साथ ले लें, इनको भी पढ़ाने का कोशिश करें, इनको भी पढ़ा करके यदि हम मजबूत तैयार करें तो हम अपने सामाजिक जो हमारे मुद्दे हैं, जो सामाजिक क्रांति की हमारी सोच है, हमारा विचारधारा है, उस पर हम अंकुश पाएंगे, हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और ज्योतिबा फुले का ये सपना, ये सोच, ये ख्वाब पूरा हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि दूसरे को भी पढ़ा सके। अब आप सोचिए, हम सब ऐसा प्रयास करते हैं, अपनी पत्नी को साथ लेकर के चलते हैं किसी भी आंदोलन में, किसी भी क्रांति में, गांव में कोई यदि बड़ा कुछ करना हो तो अपनी पत्नी को बोलते तू घर बैठे हम देखते हैं, अपनी पत्नी को अपने साथ कम लगाते हैं। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि 200 साल गुजरने के बाद भी आज हमारे समाज की संगत, हाँ कोई बात नहीं, हम सबसे एकदम बारी बारी से बात करेंगे, सब बात किताब में नहीं लिखा हुआ है, सब बात महसूस करने से आता है, बात समझी थी अरवणी ना। तो ज्योतिबा फुले ने इस बात को बहुत समझा, महसूस किया, और अपनी पत्नी को शिक्षित करके दूसरे को पढ़ाने के लिए भी तैयार किया, और आज भारत की पहली शिक्षिका, महिला शिक्षिका के रूप में उनको ख्याति प्राप्त है। आप इस बात को शायद जानते हो या ना हो, इतना बड़ा भारत था, इतना लोग वेद पुराण था, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ज्योतिबा फुले को यह गौरव प्राप्त हुआ, जो खुद समझे कि शूद्र समाज से था, शूद्र समाज का व्यक्ति की पत्नी को ये गौरव प्राप्त हुआ भारत की पहली शिक्षिका बनने का, महिला शिक्षिका बनने का। यदि ऐसा होता तो वो लोग तो हजारों साल से वेद पढ़ता था, पुराण पढ़ता था, रामायण महाभारत था, क्यों ना उसकी महिला को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? सोच से, समझ से, जागृति से, और समाज को बदलने के जुनून से, उनके अंदर जुनून था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में रूपांतरित किया, उनको बनाया। और उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, जो दबी कुचली महिलाएं थी उनको लेकर के, गर्भवती महिलाएं जिनको जिनके स्वास्थ्य खराब है उनको लेकर के, कई बार होता था कि पति जो है कि उनको छोड़ दिया और वो गर्भवती हुई तो समाज के लोग उनको नहीं देख रहे हैं। पहले समाज की ऐसी संरचना थी कि हम अपनी पत्नी को शादी किया उनको छोड़ दिया उसके बाद, और वो गर्भवती हैं तो उनको कोई देखने वाला नहीं देता। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबा फुले ने ऐसी महिलाओं के प्रति जिस स्नेह और सम्मान से उनको अपने यहाँ आश्रय प्रश्रय देकर के उनको उनको डिलीवरी कराया, उनको पढ़ने का हौसला दिया, उनको जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दिया, अनगिनत काम किए, और दर्जनों भर कॉलेज खोला, दर्जनों भर। पहला कॉलेज खोला 1 जनवरी 1948 को, पहला कॉलेज, आज आज का बात है, 1948 से पहले 100
सौ साल पहले, ये 1848 की बात है, 1848 की बात है, 1 जनवरी 1848 की बात है, और हम समझिए कि इतना दूर निकल कर के आ गए। उस दौर में, उस जमाने में इतनी साहस, इतनी ताकत, इतनी सोच, इतनी क्षमता, अपने लोगों के प्रति इतना स्नेह और इतना सम्मान, इतना समर्पण आज तो दिखता नहीं है। आज हम अपनी पत्नी को भी लेकर नहीं आ पाते, क्योंकि व्यस्त रहती है कई जगह, क्या चीजें हैं। तो वो समर्पण सोचिए, हम तो पुरुष होकर के निकलते हैं तो सीना चढ़ा करते हैं, बड़ी हम सामाजिक काम कर रहे हैं। उस दौर में जहां मुश्किलें ही मुश्किलें थी, बाधाएं ही बाधाएं थी, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, उस दौर में भी अपनी पत्नी को पढ़ा करके और स्कूल खोला पहला 1848 में, और सब पकड़ के बच्ची लोग को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उनको मालूम था कि शिक्षा के दम से ही तमाम चीजें बदल सकती हैं, समाज बदल सकता है, और यह हजारों साल के गुलामी के जो बंधने हैं सब टूट जाएगा और सबको मान सम्मान मिलेगा, अपने हिसाब से करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं ज्योतिबा फूले के प्रति बहुत बहुत ज्यादा सम्मान प्रकट करता हूं, और सावित्रीबाई फूले के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, बहुत सम्मान है। और आप सभी देवियां, सभी बच्चियां, माताएं, बहनें, आप सब ज्योतिबा फूले के द्वारा किए हुए क्रांति के ही एक प्रकार से आप रूप है, आप सावित्रीबाई फूले के दूसरा रूप है। आप भी अपनी क्षमता को यदि पहचान लीजिए, आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आज से ही मैं अपने समाज में शिक्षा का लक जगाऊंगी, जो बहने हैं, जो माताएं हैं, उन सबको विज्ञान के प्रति, पढ़ने के प्रति, आगे बढ़ने के प्रति, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ा होने के प्रति हम प्रेरित करेंगे, तो ये क्रांति हो सकता है। कल मैं एक राष्ट्रीय स्तर के चैनल पर एक वक्ता के तौर पर मुझे मौका मिला बोलने का, विषय ये था कि ऐसी सभाएं जो हो रही हैं, ऐसी सभाओं का हमारी महिलाओं में नेतृत्व विकास में क्या महत्व है, योगदान कोई है? वाकई है। आज जितनी बच्चियां, जितने माताएं, जितने बहनें यहां बैठी हैं, आज जितनी बात हम बता रहे हैं, आज हो सकता है कि सब बात ना याद रहे, लेकिन 100 में से 2-4-5 को बात तो जरूर याद रहेगा, और आपके दिमाग में वो सब मोमबत्ती की तरह जलेगा और आपके दिमाग के अंधेरे को उजाले में तब्दील करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए कल का जो बातचीत था बहुत अद्भुत था। उस बोलने वाले 4 लोगों में मैं अकेला पुरुष था, महिलाएं बोल रही थी, एक बिहार से थी, एक जालंधर पंजाब से थी, एक मध्य प्रदेश से थी, और जो उस कार्यक्रम को संचालित कर रही थी वो भी महिला ही मूल निवासी थी। तो ऐसे सभाओं में छोटी छोटी बच्चियों का, है ना, आना बहुत जरूरी है, इन सबको लेके आना जरूरी है, तब ना पता चलेगा सावित्री बाई फूले कौन थी, क्यों उनको भारत का प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त, उन्होंने क्या किया। वो लिखती थी, बोलती थी, पढ़ाती थी और सामाजिक जागरूकता के लिए सबको एकत्रित करती थी। ये छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। क्यों बड़ा काम था? क्योंकि आज तो आपको आजादी है, उस समय आजादी नहीं थी। उस समय जब ऐसा सोचते तो आपके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता, आपके ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता। सावित्रीबाई फूले भी जब पढ़ाने के लिए जाती थी किताबें लेकर के बच्चों को, तो उनके ऊपर कीचड़, गोबर, माटी फेंक दिया जाता था कि ऐसा करने से डर जाएगी, ऐसा काम नहीं करेगी। ऐसा आज होता है, आप पढ़ाने चलेगा तो ऐसा कोई नहीं करेगा। आप तो शुरुआत ही नहीं कर रही है, आप पढ़ाने का शुरुआत करिए, कोई गोबर माटी नहीं फेंकेगा। आपके साथ भारत का संविधान है, आपके साथ सुरक्षा है, आपके साथ बाबा साहब का दिया अधिकार है। ये तो कमी अब हम ही में है, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपनी शुरुआत करें, पढ़ाने के लिए आगे बढ़ें, अपने समाज के बच्चियों को, महिलाओं को जोड़ने का काम करें, और ज्यादा संख्या में आप ज्यादा से ज्यादा जुटेंगे, किताबें पढ़ेंगे, हम जैसे लोगों को और हमसे भी बेहतर बेहतर लोगों को सुनेंगे, तो परिवर्तन की दिशा में आप आगे बढ़ चलेंगे। इसीलिए मैं आज आप सबसे बहुत विनम्र होकर के, मुख्य अतिथि कम और आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका अपना बन करके, आपका सगा बन करके, अपने दलित समाज का एक अंग बन करके, मैं ज्यादा मैं आप सबसे बात करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो इसलिए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और उनको सहयोग किया एक मुस्लिम महिला फातिमा शेख ने, आज जिन्नत जी को मैं अपने साथ लेकर के आया हूँ। जिन्नत ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग के साथ काम करती है, दर्जनों भर कार्यक्रमों में जाती है, जहाँ हम लोग स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं वहाँ जाती है, काम करती है, और मेरे मन में उनके प्रति सम्मान है। हम उनको महसूस करते हैं कि हमारे समाज के अभिन्न है, वो मूल निवासी है, वो हमारे समाज की एक हिस्सा है, और इस प्रकार से वो भी साहस के साथ सुरक्षा महसूस करते हुए जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ चली जाती हैं और स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में हम सबको सहयोग करते हैं। हमारे साथ पंकज है, हमारा ही बहुजन समाज का बेटा है। पहले कैसा सोचते थे नहीं मालूम, लेकिन जब से 1-2 साल से हम लोग के साथ काम कर रहे हैं, अब ये महसूस करने लगे हैं कि सर ऐसा प्रयास करने से समाज जरूर बदलेगा, और हर कदम पर हम लोग के साथ रहते हैं। रंजीत जी हैं, सिकंदर जी हैं, सिकंदर जी को सब जानता है, पूरा औरंगाबाद जिले में उनको क्षेत्रीय गायक के रूप में खूब उनकी प्रसिद्धि है। ऐसे लोग भी मिशन मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, ऐसे लोग भी मेरे कार्यक्रमों में हम सबके साथ चल करके, लोगों के साथ बातचीत करते हुआ देख करके लोग प्रेरित हो रहे हैं, और जहां हम जाते हैं वहां जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये यही परिवर्तन है, यही मकसद है, यही मिशन है, यही बाबा साहब का सपना है कि मैं जहां जाऊं लोग हमारे कारवां में, लोग हमारे विचार से जुड़ते जाएं और अपना विचार भी हमको देते जाएं, अपनी समस्याएं भी हमको बताते चले, अपनी बातें भी हमको बताते चले कि सर हम लोग को ये मुश्किल है, सर हम ऐसा सोचते हैं, सर हम इस प्रकार से आपको सहयोग करेंगे, सर हम इस प्रकार से आपका सहयोग चाहते हैं। यही मिशन है। मिशन कोई खाने की वस्तु नहीं कि खा लिया मिशन पूरा, नहीं,
मिशन पूरा करने के लिए जरूरी है अपने सोच विचार इस प्रकार से निरंतरता के साथ बढ़ते जाना, लगे जाना। मैंने कल का जो मीटिंग था राष्ट्रीय स्तर का, उसमें मैंने बताया कि नेतृत्व क्षमता जो है, यानी कि आगे आकर के नेता बन करके, नेता मतलब वो एमपी एमएलए वाला नहीं, नेता मतलब समाज का मुखिया, समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो साहसिक हो, दूरदर्शी हो, समाज के लोगों के प्रति समर्पित हो, उसको नेता कहते हैं। आज हम नेता अपने को महसूस नहीं करते हैं, लेकिन हम समाज का एक ऐसा अंग जरूर मानते हैं अपने आप को कि हमारे लोगों के प्रति आपत्त विपत्त आएगा तो पहले मैं डटूंगा, पहला लाठी हम पे चले, पहले जहां आज यहां कोई मारपीट हो जाएगा तो आप यहां बैठे रहेंगे, पहले मैं उसका सामना करूंगा। इसको बोलते हैं नेतृत्व करना। तो नेतृत्व हमारी बच्चियां जब करने लगे, छोटे छोटे जगहों पर जाकर के अपने खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे, यदि अपने अधिकारों के हनन हो रही हो, संविधान को जलाया जा रहा हो, बाबा साहब का कोई अपमान कर रहा हो, उनको पढ़ने का, उनको बोलने का, उनके साथ भेदभाव हो, छुआछूत हो, यदि ये सब हो रहा हो और कोई यदि बहन आवाज उठाए, आवाज बुलंद करे, बहन कोई बहन के साथ छेड़खानी हो रहा हो तो हम थाना पहुंच जाए, बोले कि हम इस मिट्टी के मूल निवासी बहन, हम अभी थाना प्रभारी को चैलेंज करते हैं, 24 घंटा के अंदर यदि आपने अरेस्ट नहीं किया तो मैं 1000 महिलाओं को लेकर के आऊंगी। इसको बोलते हैं नेतृत्व करना। और ये नेतृत्व करने की क्षमता एक दिन में विकसित नहीं होता है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप छोटी छोटी बच्चियों को मौका देंगे, पहले आकर के जय भीम, जय भारत, जय संविधान बोलेंगी, फिर और बाबा साहेब, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, सब के बारे में बोलेंगी, बोलते बोलते वो सबको मौका मिलेगा, तब पता चलेगा कहाँ भारत है, कहाँ संविधान है, कहाँ शिक्षा है, कहाँ हमारे हक अधिकार है। ये सब सनेह सनेह चलने वाला प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में छोटी छोटी बच्चियों को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो छोटे स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, महाविद्यालय से लेकर के, बड़े बड़े संस्थाओं तक हमारी बच्चियों को जब अवसर मिलेगा, उनको भी जब प्रेरित किया जाएगा, तब वो नेतृत्व क्षमता लेकर के आएंगी। आपने सुना है बड़ी बड़े लोगों का नाम, आप देखिए सुषमा स्वराज से लेकर के, आप देखिए कि स्मृति ईरानी से लेकर के, उधर जयललिता से लेकर के, उधर बंगाल में बहन कौन है, ममता बनर्जी, ये सारे स्वर्ण महिलाएं, इन सबको मौका मिला, उनके समाज ने उनको बढ़ने का अवसर दिया, तब जाकर कितनी भागीदारी है। हमारे पास कौन नाम है, एक नाम है मायावती, बहन ममायावती जी। मैं तो कहता हूं कि आजादी के 7 दशक गुजर गए, 70, 72, 73 साल गुजर गए और हमारे पास एक दर्जन भी मायावती नहीं है। ये पीड़ा है, ये दुखद समाचार है। इस समाचार को सुखद बनाने के लिए हम सबको प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसी ऐसी बच्चियों को लेकर के आगे आना पड़ेगा। मायावती जी ने अपनी शुरुआत कैसे की आपको पता है, दिल्ली के एक मैदान में बड़ी सभा हो रही थी, बड़का बड़का नेता लोग बैठा हुआ था, उसमें से एक बहुत धुरंधर नेता है और बोलने लगे हमारे हरिजन भाइयों को ऐसे मुश्किल, ऐसे समाधान, ऐसे। उसके बाद बहन मायावती जी का नंबर आया, बहन मायावती जी उस समय यूपीएससी आईएएस बनने की तैयारी करती थी। सबसे पहला उन्होंने बोला कि मान्यवर, आपने जो हरिजन हरिजन शब्द कह करके हमारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है। हमारे लोगों के नाम को लेकर के या हमारे लोगों को लेकर के संविधान में कहीं हरिजन शब्द नहीं है। हमारे लोग SC ST हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है। आप अपना शब्द जो है या अपना जो संबोधन है हमारे लोगों के प्रति, ये घृणात्मक संबोधन हरिजन वाला, उसको वापस लीजिए। लोगों ने तालियां बजाई और हम तो कहते हैं कि यहीं से मायावती की यात्रा प्रारंभ होती है। मान्यवर काशीराम ने देखा कि इस व्यक्ति में कितना साहस है, बड़े दिग्गज नेता को भी पछाड़ दे दिया, उन पर उनके बातों पर भी सवाल खड़ा कर दिया और तब से उनकी यात्रा शुरू होती है। आज उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया और अपने प्रदेश में काम किया। इसी प्रकार से कई बहनों को हर स्तर पे, मुखिया लेवल पर, जिला लेवल पे, जिला पार्षद लेवल पे, MP MLA के लेवल पे और जिस स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, उनको बिना किसी पोस्ट हुए भी यदि उनको अपना प्रतिनिधित्व मिले उनको, तो वो अपना नेतृत्व क्षमता के दम पर अपने समाज का प्रतिनिधित्व करें, ऐसा हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो सब करें। तो मान्यवर काशीराम और जिधर मायावती, लालू प्रसाद यादव, ये सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हम सबको ताकत दिया है, हम सबको बोलने की आवाज़ दी है। हम सब उनके एक पहलू को देखते हैं, अरे आज वो बड़ा जेल में चले गए, अरे आज वो क्या किए, उनको बहुत करीब से समझने और जानने की आवश्यकता है। तो एक बार पुनः, जितने भी महान पुरुष पैदा हुए हमारे समाज में और सबने प्रयास किया हम सबको बढ़ने, जगाने, हम सबकी सुरक्षा, हमारे अधिकारों की लड़ाई, उन सब के प्रति मैं शीश नवा करके अभिनंदन और आभार समर्पित करता हूँ। और इस गांव के जितने भी ग्रामीण हैं, क्या नाम हो गांव का, हरैया टाड़, हरैया टाड़, मनु टोला हरैया टाड़, अच्छा मनु टोला हरैया टाड़, मन और हूँ, मन हूँ तो सब हूँ, समझ गए। इसलिए सबसे पहले मन से तैयार होना है किसी भी काम को करने के लिए, तो इस मनु के जो ग्रामीण है, हरैया टाड़, हरैया टाड़, पता नहीं हरिया टाँड तो दिखा, हरिया तो दिखा नहीं, देखिए नहीं, हरा भरा, हरा भरा, अच्छा हरिया, हरिया टाँड, टाँड तो बड़ी
उखड़ भाखड़ सुखल पाखल रहता है, ये हरियर टाण है, अच्छा टाण है, बहुत पेड़ पौधा था, हमको तो लगा कहीं अनाकोंडा सांप ना निकल जाए, इतना जंगल हरा भरा था। तो ये हरियर टाण के जो जितने भी सम्मानित लोग हैं और मन से हूँ वाले जितने अपने लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे माताएं हैं और हमारे गार्जियन स्वरूप जितने भी यहाँ लोग हैं, आप सबके प्रति मेरे मन में बहुत स्नेह है, बहुत सम्मान है और इसी सम्मान और इसी जुड़ाव के दम पर हम वहाँ से आए हैं। और हमारे साथ चल करके यहाँ डॉक्टर संतोष आए हैं, इस कारवां में बहुत दिनों से लगे हुए हैं, शशिकांत गोपाल जी हैं, ये कहने को मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया उडिया तो बात की बातें हैं, ये समाज के एक ऐसे पुरोधा हैं जो रात दिन जहाँ चलना है सर बस चले, एकदम तैयार हो जाते हैं, चलते हैं। तो ये सब हैं मान्यवर जादूगर विजय जी के साथ, तो मैं कई जगहों पे, पचासों जगहों पे हम लोग कार्यक्रमों में गए होंगे, गए नहीं रात में गए 12 बजे, जहाँ लोग गहरी नींद में सोते हैं वहाँ हम लोगों ने घंटों जाकर के अपने अपने बात अपने समाज के प्रति समर्पण जाहिर किया है, लोगों से जुड़ने का काम किया है। सिकंदर जी के बारे में बताया और इस गाँव के बहुत ऐसे लोग हैं सम्मानित, हमारे अभिभावक हैं जो औरंगाबाद जाकर के हमसे इलाज कराए, अपनी बीमारी का इलाज कराए, उन सब के प्रति ऐसा बच्चे महिलाएं माताएं सबको मैं बहुत शीश नवा करके अभिनंदन करता हूं, आप सबका प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, क्रांतिकारी जय भीम समर्पित करता हूं। और हमारा एक पोस्टर पे बड़ा लिखा हुआ सामाजिक जागरूकता अभियान, सामाजिक जागरूकता, समाज कोई किताब थोड़ी है, समाज ये गांव है, हमारे लोग हैं, ये बच्चियां हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ये सब अभिभावक हैं, धनपत गुरु जी हैं, ये सब से ही हमारा समाज है। तो ये सामाजिक जागरूकता अभियान जो है ना हमारा संकल्प है। और मैं तो मानता हूँ कि मेरे पढ़ने का, मेरे लिखने का, मेरे गाड़ी पर चढ़ने का, मेरे सामर्थ्यवान होने का, मेरे डिग्रियों का, एम्स जैसे बड़ी संस्थान में पढ़ने का, सब का मतलब तब है जब ये सामाजिक जागरूकता अभियान हमारा संकल्प बने और हम अपने लोगों के साथ खड़े हों, उनके हर सुख दुख में, उनके हारने में, उनके जीतने में, उनके खुश होने में, उनके दुखी होने में, उनके रोने में, उनके विलाप करने में, उनके उनके गमों में, हर स्थिति में हम उनके साथ खड़े रहें, उनके साथ हम आगे बढ़ करके उनसे कंधे से कंधा मिला करके हम उनको मजबूत करें, तब हमारे पढ़ने लिखने और हमारे डॉक्टर साहब होने का कोई मतलब है। वरना कई साहब हैं आए गए इधर उधर जा रहे हैं आ रहे हैं, तो हमारे साहब होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे है, आपकी खुशहाली से, आपकी सुरक्षा से, आपके साथ संविधान के होने से, बाबा साहब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन सब के विचारों के साथ होने से है। इसलिए हम लोगों ने सामाजिक जागरूकता को अपना संकल्प बनाया हुआ है और इस संकल्प के आगे और एक लाइन लिखा हुआ है, शिक्षा स्वास्थ्य और विज्ञान की बातें। सामाजिक जागरूकता का मतलब ही है शिक्षा स्वास्थ्य और सिर्फ विज्ञान की बातें। मैं दोहराता हूं, आज मैं आप सबसे सिर्फ बात करने, अपनापन बांटने, अपना बनने, महसूस करने आया हूँ, किसी भी बात से आपको दुखी करने, आपको अपमानित करने नहीं आया हूँ। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और गुंजाइश है बेहतर करने की। आपने आज तक जो भी किया बढ़िया किया, फसल उगाए, शिक्षा लिया, कामयाब बने, नौकरियां ली, सब बढ़िया किया और बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि देश दुनिया बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। इस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ गांव में बैठे हुए हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन कौन आविष्कार हो रहा है, कहाँ से कहाँ लोग जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, कौन कौन सी बीमारियां आ रही है। इन सब के साथ खड़ा होने, चलने, मैच करने के लिए जरूरी है कि हम सब अपडेट रहें और तेज होकर के चलें और सजग और सतर्क होकर के हम सब चलें। सब लोगों ने शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें की और मैं भी जाता हूं तो बहुत शिक्षा के बारे में बात करता हूं, और इसलिए करता हूं कि आज मेरी पहचान ही शिक्षा के चलते है, पढ़ने लिखने के चलते है, डिग्री के चलते है। हमारा घर तो चौवा चट्टान इधर जपला में है, औरंगाबाद में हम क्या कर रहे हैं, औरंगाबाद में हम लोगों का इलाज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए। डॉक्टर कैसे बने, शिक्षित होकर के। शिक्षा कहाँ से आया, मौका मिलने से। मौका कहाँ से मिला, बाबा साहेब और इधर संविधान से मौका मिला। सब जुड़ा हुआ है, इधर संविधान से कहानी शुरू होते, बाबा साहेब से शुरू होते, मेरे शिक्षा उधर दिल्ली एम्स में, मैंने सीनियर रेजिडेंट के पोस्ट पे काम किया, हिंदी में बोलते हैं वरीय गृह शल्य चिकित्सक, मैंने सीनियर सर्जन के रूप में हमको काम करने का मौका मिला। तो कहां संविधान, कहां बाबा साहेब, कहां हमको अवसर, यानी कि कहां हमको रिजर्वेशन, और कहां दिल्ली में पढ़ाई करने का, एक दो दिन नहीं 4 साल तक मौका मिला। फिर उधर से दूसरे मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में काम करने का मौका मिला। ये सब शिक्षा के नाम पर हुआ, ये तो हमारी बातें होंगी। आप खुद देखिए, ये हरियर टाण, हरिया टाण, मन हूं, इस गांव से निकला हुआ व्यक्ति कहां दुबई में जाकर के नौकरी कर रहा है, कभी सपने में आप सोचते हैं, कहां व्यक्ति लंदन में जाकर के अपनी डिग्रियां ले रहा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कहां मृत्युंजय जी और कहां संजय जी की बहनों ने इंजीनियरिंग कॉलेज जाकर के पढ़ाई किया। ये सपनों की उड़ान है भाई साहब, बस ध्यान रखिएगा,
वो जो आप मोबाइल में गाना सब भोजपुरिया सब सुनते हैं ना, उस सब पीछे छूट जाएगा, हमारी बात सुन लीजिएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये सपनों की उड़ान है। आप सपना देखते हैं तो कभी कभी सोचते हो कि हम ऐसे उड़ रहे हैं, अचानक डर जाते हो, गरीब पर गिर रहे हैं, ऐसा देखा कभी सपना उड़ते उड़ते गिर गए? हकीकत में आंखें खोल करके सपना देखने में गिरने का भय नहीं होता है। कौन सा सपना? डॉक्टर बनेंगे, अपने समाज के साथ खड़े होंगे, 12 लाख की गाड़ी पर चढ़ेंगे, अपने लोगों की मजबूती में अपना अपना भी कोई एक इतिहास, अपना भी कोई अध्याय जोड़ेंगे। ये सब सपना है। एक मास्टर का बेटा डॉक्टर बने और जिले भर में चर्चे का विषय बन जाए, ये सब बड़ी बड़ी आंखें खुली आंखों से दिन में देखे जाने वाले सपने हैं, सब पूरा होते हैं। इसमें गिरने का डर नहीं होता, इसमें सीधे सपना सामने सामने उतर करके आता है। 20 साल पहले मैं भी ऐसा ख्वाब देखता था, ऐसा सपना देखता था, पूरा हुआ। आज मृत्युंजय बाबू, आज संजय बाबू, ये तमाम लोगों का वहाँ पहुँचना भी अपने आप में सपनों की उड़ान है, सपनों का हकीकत में बदलने जैसा चीज़ है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक दो कहानी छोटी छोटी बताऊंगा शिक्षा को लेकर के। हम नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किए हैं। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, यानी कि जब हम छठे में गए, तो उस समय लातेहार, पलामू और गढ़वा एक जिला हुआ करता था। लातेहार मेरा स्कूल था। मैं ऐसे लोगों का नाम लेना चाहूँगा, हमारे साथ पढ़ने वाले लोग इतने गरीब थे कि सपने भी नहीं देख सकते थे कि भाई हम बड़ा कुछ आदमी बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया 20 साल के अपने जीवन में कि ये बड़ा चौंकने वाली बात है। हमारे ही बगल में गांव है, कचरा नाम है गांव का, आपने सबने सुना होगा, जपला के बगल में। कचरा से मेरा एक दोस्त है जयंत रंजन, पिताजी का देहांत हो गया था और भैया उसके थे सुदर्शन जी। वो अपने भाई को पढ़ाए और बहुत गरीबी से, बहुत मुश्किल से वो आदमी पढ़ने पढ़ता शुरू किया और भारत में पढ़ाई करके अगरतला में मछली पालन में, विदेश में जाके बेल्जियम जाकर उन्होंने अपना जो है कि बड़ी डिग्री ली, पीएचडी का डिग्री लिया। बहुत बड़ा बात है। उसी प्रकार से सरहू में रामाशीष था। रामाशीष इतने गरीब परिवार से थे रामाशीष कि लगता था कि मैट्रिक भी नहीं पढ़ पाएंगे, खाने के लिए भी मोहताज थे। ऐसे लोग महाराष्ट्र में रेलवे में बड़े पोस्ट पर हैं। उसी गांव के डॉक्टर राकेश तरुण हैं, वो मास्टर के बेटा डॉक्टर बन गए। उसी प्रकार से और बहुत टीपू भैया थे और शिवेंद्र लाल बिहारी। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि 20-25 साल पहले जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे तो वाकई हम लोग के आंखों में आंसू आता था कि हम लोग इतना गरीब है, हम लोग बहुत दूर तक जाएंगे पढ़ेंगे। लेकिन वो खुली आंखों से अब समझे मेरे दिक्कत होई तक तो बताए, हम हूँ अभी में बतिया लगब और कम हम जल्दी में कोशिश करेंगे समेटने का इन बातों का। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये सब नाम बहुत दूर के नाम नहीं है, ये शिक्षा की बात निकले इसलिए मैं ये सब नाम ले। अब 20 साल पहले ये ऐसे नाम थे जो बहुत निर्धन परिवार से, बहुत गरीब परिवार से निकले और जानते बहुत दूर तक पढ़ाई करके आज समाज के लोगों के साथ काम कर रहे हैं और समाज में अपनी एक पहचान बना रहे हैं। जब हम लातेहार में थे तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था कृष्णा भगत। हम 5-7 किलोमीटर पैदल चल करके गए और वो लोग अनुसूचित जाति थे, अनुसूचित जनजाति यानी कि वनवासी थे। जब हम उसके घर में गए देखने के लिए तो घर में एकदम पूरा एक मुट्ठी चावल, इतना गरीबी, मुर्गी और ऐसे ऐसे और मतलब एकदम लेदरा उदरा ऐसे बिछा, ये सब जब हम देखे तो हमको निर्धनता लगा। और लेकिन हमको बहुत गौरव हुआ कि ऐसे गरीब परिवार भी अपने बेटा को पढ़ाने के प्रति इतना समर्पित हैं कि ये 5 लीटर किरासन का तेल रख रहे थे कि बेटा ले जाओ वहाँ लालटेन मार्केट के पढ़ना, कृष्णा भगत। और आज वो लड़का क्या कर रहा है जानना चाहेंगे आप सर? आज वो मेकेन जो वहाँ पे है रांची में, उसमें बहुत बड़े पोस्ट पे इंजीनियर है और उसको पटना में इंजीनियर ही है, NIT पटना में पढ़ता हुआ मैंने देखा। वो ये कहानी है शिक्षा की, शिक्षा के दम पर ये सब कुछ होता है। उसी प्रकार से हम पाकी में थे, मेरे पिताजी पढ़ाते थे, बालू मात वहाँ जगह है। जब हम गए तो इतना जंगल में और इतना ज़्यादा गरीबी वहाँ पे देखे कि नंगे धंगे बच्चा चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग एकदम कपड़ा नहीं है तन पे, इतना गरीबी था। वहाँ का एक लड़का मुकेश भगत मेरा दोस्त था, वो आप जानना चाहेंगे आज कहाँ है? ग्रैप है, यानी कि जो रोडवेज पुलिस होता है उसमें बहुत इंजीनियर के पोस्ट पे आज कार्यरत है मुकेश भगत। इतना गरीबी मैंने देखा उसके घर में जब मैं जाता था और वही गरीब अपने मेहनत के दम पर पटना में जाकर के वहाँ डिप्लोमा करके आगे पढ़ के कंपटीशन करके और आज वो सब इंजीनियर बनकर के आज समाज का आईना बना हुआ है। ये अपने समाज की कहानी है, मैं किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से इन चीज़ों को देखा है कि किस प्रकार से गरीबी के ऊपर छलांग मार करके अपने जीवन में उजाला लाया जा सकता है, अपनी पहचान बनाई जा सकती है और अपने जीवन के साथ साथ कई जिंदगियों को सुधारा जा सकता है। इसलिए मैं ये सब कहानी बता रहा हूं। आपके ही राज्य में, झारखंड राज्य में एक ऐसा IAS ऑफिसर है जिसके बारे में सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे पक्का। उनका नाम रमेश जी है, आप उनको नेट पे आज के जो विद्यार्थी वो पढ़ सकते हैं। रमेश जी IAS बनने से पहले, DM बनने से पहले जानते क्या करते थे? बेचारे विकलांग थे, अपनी माँ के साथ टोकरी में चूड़ी लेकर के घूम घूम करके भेजा करते थे। और ये ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके ही प्रदेश में आज शायद कोडरमा के DC हैं या कुछ हैं। रमेश जी बहुत पीड़ा के साथ बताते हैं कि वो दौर दूसरा था, वो दौर मुश्किलों का था
और सभी मुश्किलों को पीछे छोड़ा जा सकता है अपने दम पर, शिक्षा के दम पर। जो अपनी माँ के साथ घूम घूम कर चूड़ियां बेचता था, आज किसी जिले का डीएम है, अपने कलम से फैसले लिख रहा है, कई लोगों की जिंदगियां लिख रहा है। ये सपना है कि नहीं? इन सपनों को पूरा किया जा सकता है, और इन सपनों में गिरने का कोई डर नहीं है, सिर्फ उड़ने का है, उड़ान भरने का है। इसलिए आप सब भी सपना पाले, अपने बच्चों को लेकर के, छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के, बाकी जितने लोग हैं सपना देखेंगे कोई नहीं रोक सकेगा। बस मैं बता देता हूँ, मुश्किलें हो सकती हैं, देर हो सकता है, अपमान झेलना पड़ सकता है, गरीबी अड़चन आ सकती है, लेकिन उन सपनों के उड़ान में बाधा तो कुछ भी नहीं बनेगा, आखिर तक उड़ते रहेंगे तो। इसलिए ये सारी बातें मैंने शिक्षा की बातें बताई। एक दो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत का सबसे कम उम्र का आईएएस ऑफिसर बनने का जो ख्याति प्राप्त है, वो एक ऐसे लड़के को प्राप्त है, ऐसे लड़के को, अंसार शेख नाम है, बहुत अद्भुत कहानी है। 21 बरस की उम्र में सबसे कम उम्र का डीएम बनने का उसको गौरव प्राप्त है। वो कौन है जानना चाहेंगे? उसके पिताजी घूम घूम करके टेम्पो चलाते थे, पेपर ऐसे बांटते थे। एक पेपर बांटने वाला, एक टेम्पो चलाने वाला का बेटा भारत का सबसे कम उम्र का आईएएस ऑफिसर बन सकता है। ये सपना तो ऐसा देख सकते हैं, बड़ी बड़ी आंखें भी करेंगे तो नहीं से देख पाएंगे। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं जितनी कहानियां आपसे साझा कर रहा हूं किताबों की कहानियां नहीं है, इसी भारत भूमि की कहानियां हैं, जहां से सपने हकीकत बनकर हथेली पर उतरती हैं। मैं भी उसका हिस्सा हूं, और ये ऐसे अंसार शेख जैसे लोग ऐसे सपनों के गवाह हैं। उसी प्रकार से भारत की सबसे कम उम्र का आईपीएस ऑफिसर एसपी बनने का गौरव जो प्राप्त है, वो शफीक हसन को है। शफीक हसन के बारे में जानेंगे तो बहुत चौंकेंगे आज की बहनें, आप ध्यान से सुनिएगा। शफीक हसन की माँ जो है, दूसरे के घरों में जाके बारात में इतना इतना आटा का रोटी पकाना है, बारातों के लिए खिलाना है। बारातों में 20-20, 50-50 किलो के आटा रोटी बनाने वाला का बेटा भारत के सबसे कम उम्र का आईपीएस ऑफिसर एसपी बनकर पूरा जमाना सैल्यूट मार रहा है। इस सपनों के ऐसे उड़ान है जिसके लिए साहस चाहिए, सोच चाहिए, तत्परता चाहिए, समर्पण चाहिए, और एक नजरिया चाहिए, एक जिद चाहिए, जुनून चाहिए। पैसा रहे ना रहे, कपड़े रहे ना रहे, घर में लाख अभाव हो, जिंदगियां बदली जा सकती हैं। इसलिए जितना मैंने, हम जितना बतोई थी नहीं, सब नाम शफीक हसन, अंसार शेख, रमेश जी, ये सब बहुत दूर के नहीं है, ये सब जल्दी के हैं, ये सब अभी हैं डीएमएसपी बन के सब काम कर रहे हैं। और ऐसे में अनगिनत लोगों को जानता हूं जिनके बारे में सबका नाम लेना मुश्किल है, अनगिनत बच्चियों को मैं जानता हूं जिन्होंने कई मुश्किलों को ठोकर मार करके अपने जिंदगी को बनाया है। आप पेप्सी कोला के जो 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 हेड है, सीईओ है, खेत में काम कर रही, भैया साउथ इंडिया, खेतों में काम करती थी, आलू रोपती थी, धान रोपती थी, खेतों में काम करने वाले पूरी दुनिया में डंका बजा रहे, पूरी दुनिया उनको सैल्यूट कर रहा, सीईओ है, एमबीए किया, पढ़ते पढ़ते कहां नहीं पहुंचे। इसलिए मैं बोलता हूं कि विश्वास यदि आपने पाल लिया तो अपने जिंदगी में कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे मुख्य अतिथि बन के नहीं, आपका बेटा बन करके और एक गवाह बन करके मैंने अपने जिंदगी में परिवर्तन को देखा है, अपने जिंदगी में अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ ये सब घटित होते हुए देखा है कि अपने खुली आंखों से जो सपना देखा उसको पूरा किया जा सकता है। ये सब बात ध्यान से सुने। तो ये शिक्षा की बातें थी, इसलिए मैं पूरे डंके के चोट पे कहता हूं कि शिक्षा ही वो कुंजी है जिसे कितना भी मुश्किल ताला आप खोल सकते हैं, कितना भी मुश्किल काम जो है वो निपट सकता है, कितना मुश्किल लक्ष्य भी वो हासिल हो सकता है शिक्षा के दम पे। कई गरीब लोग घर से टप 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 छत से पानी गिरता है, आज उनके घरों में बिल्डिंग बन गई है, आज उनका घर आलिशान भवन बन गया, मेहनत पे, चोरी करके नहीं, भ्रष्टाचार करके नहीं, अपने लगन से, परिश्रम से, वेतन लेकर के, समाज में काम करके, तो ये सब कुछ संभव हो सकता है। तो इतनी सारी बातें थी शिक्षा को लेकर के। विज्ञान को लेकर के बात यहाँ पे बहुत बड़ा, बहुत फिर मैं दोहराता हूं, मैं आपको अपमानित करना नहीं चाहता हूं, बस जो जिंदगी में घट रहा है, जो समाज में चल रहा है, जो देश में चल रहा है, वही सब बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं। विज्ञान किसको बोलते हैं? विज्ञान विशेष ज्ञान को बोलते हैं, ऐसा ज्ञान जो तर्क पर आधारित है, खोज पर आधारित है, सोच पर आधारित है, समझ पर आधारित है। आंख बंद वाला नहीं कि भैया वो फल्ला बाबू बोल रहती है इसे ऐसे ऐसे हुआ है, वैसे नहीं, ये सब लेबोरेटरी में परखा हुआ नॉलेज है। हमारे लोग को विज्ञान पे भरोसा नहीं है, हमारे लोग ऐसी बातों पे ज्यादा भरोसा करते हैं जो हो ही नहीं सकता है, कभी मुंह से पैदा हो सकता है, कोई जीव जंतु मुंह से पैदा कर सकता है, खास करके मनुष्य मुंह से पैदा हो सकता है। तो फिर आप लोग को जब ये बात बताया जाता है कि वर्ण व्यवस्था कैसी व्यवस्था है जिसमें कुछ लोग मुंह से पैदा हो गए थे, कुछ लोग इधर भुजा से पैदा हो गए थे, कुछ इधर जंघा से पैदा हो गए, कुछ लोग पैर से पैदा हो गए, ये विश्वास करने वाला बात है?
लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी हम इस बात पर बहुत बहुत गहराई से विश्वास करते हैं, इसी को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। आज वर्ण व्यवस्था पे आप विश्वास करते हैं, मतलब आप इतना बड़का अंधविश्वासी हैं कि आपको इतना भी नहीं पता है कि मुंह से पैदा होगा क्या। ब्रह्मा जी के मुंह से जो है कि पैदा हो गए ब्राह्मण, इधर भुजा से पैदा हो गए क्षत्रिय, उधर जंघा से पैदा हो गए वैश्य, इधर टांगों से पैदा हो गए शूद्र, जिसमें हम लोग आते हैं। ऐसा संभव है? नहीं संभव है। लेकिन हम सब पता नहीं कौन विज्ञान पढ़ते हैं, किस प्रकार के का ज्ञान हम लोग हैं, किस प्रकार से भरोसा करते हैं कि इस बात पे आज भी भरोसा करते हैं कि वर्ण व्यवस्था में चातुर्वर्ण बोलते हैं, चातुर्वर्ण व्यवस्था, इस चातुर्वर्ण व्यवस्था में कोई आदमी मुंह से पैदा हुआ, इस बात पर आज हम विश्वास करते हैं। ये विश्वसनीय नहीं है, और मैं कम से कम विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते इस बात पे कतई विश्वास नहीं करता हूँ। दूसरी एक बड़ी बात है, फिर आग्रह के साथ कह रहा हूँ, अपमानित करना नहीं है। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी ऐसे पैदा हो सकता है कि हमने अपने सीना से एक ऊर्जा निकाला इसे फेंका तो भुजा बना, किसी ने इधर मस्तक से कुछ दिव्य दृष्टि निकाला तो इधर मुड़ी बना, किसी ने और कुछ डाला तो इसे हाथ बना, ऐसे कोई पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन हम सब आज ऐसे ही पैदा हुए, किसी देवी का बड़ी बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। अपमानित नहीं कर रहा हूं, मैंने बता रहा हूं कि ये सोच है। जब से दुनिया बनी और जब से जीव जंतु पेड़ पौधे बादल घास फूस नदी तालाब झरने ये सब बने, तब से कोई भी शोध है, कोई भी विज्ञान इस बात का समर्थन नहीं करता कि इस प्रकार से भी कोई पैदा हो सकता है, कोई पैदा नहीं होता ऐसा। इसलिए जरूरी है समाज विज्ञान को समझना और अंधविश्वास से दूर जाने की जरूरत है। कष्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकती है। तो विज्ञान पे हम बोलते हैं कि विज्ञान पे भरोसा करना है समझ करके, कोई बोल दिया इसलिए हम लोग मान ले ऐसा नहीं है। और आखिर में एक दो बात हम बताना इसलिए चाहते हैं अंधविश्वास को लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बड़ा गजब मजेदार बात है, जपले के बात है, इसलिए हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, खत्म करेंगे। तो अंधविश्वास को लेकर के मैं इसलिए बात कहता हूँ कि जपला से कुछ दूरी पर एक साधु बाबा निकले और साधु बाबा बोले कि हमारा भगवान सपने में आए थे और बोले कि इस तालाब में जो सोने का जूता है और भगवान हमको बोले कि हम मंदिर बनाओ, और ऐसा वहां पे आलम हुआ कि सारे लोग उनके बात पे विश्वास करके पूरा जंगल काटना शुरू कर दिया, जेसीबी मशीन लग गया और पूरा तालाब के चारों तरफ एकदम पूरा एकदम लाल लाल सिंदूर का घेरा लगने लगा और मंदिर पूजा पाठ शुरू हो गया। जब ये जंगल काटने लगे, जेसीबी मशीन लग गया, तो जपला थाना को वहां सूचना गया, जपला थाना के लोग वहां दौड़े दौड़े पहुंचे। तो ध्यान से सुने, अंधविश्वास पे हम बात कर रहे हैं। तो हाँ बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ, देखिए ये बड़ा अद्भुत घटना है, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा तीन चार साल पहले की घटना है, तीन चार साल पहले घटना है। जब वहाँ पुलिस पहुंची तो लोगों के दिमाग में जो अंधविश्वास था कि सचो में सपना आयल होगा, भगवान यहाँ मंदिर बनाने बोले होंगे, और पुलिस भला वहां जाकर के रोके किसी को गवारा गुजरेगा, लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया और बहुत प्रकार का तांडव हुआ, पुलिस को वहां से भागना पड़ा। ये खबर एसपी तक पहुंची और एसपी साहब बोले कि ऐसा कैसे होगा, जंगल काट रहा सब वन विभाग का खिलाफत है। और पुलिस आई और साधु बाबा को पकड़ करके वहां लेके कहा गई जपला, बोला कि भैया बाबा साहब आप इस तरह का अंधविश्वास फैला रहे हैं, कैसा सपना आपने देख लिया? बोला कि हम सही देखे हैं, वहां जाकर तालाब में खुजवाइए ना, वहां को जूता मिलेगा सोने का, पता नहीं। अब वहां पूरा जनरेटर लगा के पूरा पानी पटा करके पानी उसका निकाला गया, उसमें से वो लोहा का जूता निकला, शायद बाबा पहले से डाल दिए थे और उसपे पेंट पोछा करके उसमें डाल दिए थे। हाँ, अब एक व्यक्ति जो ना विद्वान है ना शिक्षित है ना क्या है पता नहीं, उसके बोलने पर लोगों ने अपना जेसीबी मशीन लगा करके जंगल काटना शुरू कर दिया, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, यही अंधविश्वास है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी घटना को दिमाग पे जोर दे करके सोचना है, समझना है। औरंगाबाद का एक छोटा सा घटना साझा करना चाहेंगे और फिर बात समराइज करेंगे। दो तीन साल पहले की घटना है, वहाँ एक दलित परिवार की बच्ची जो मुश्किल से 9-10 बरस की उम्र की थी, वो बोली कि हमारा सपना में एक सांप जो है बोला कि तुमसे ब्याह करेंगे। बहुत गजब का घटना है और ये मैंने अपनी आंख से देखा, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। वो बोली कि हमारा सपुआ बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा शादी करेंगे, और ये खबर आग की तरह पूरे इतना दूर पूरे औरंगाबाद जिले में फैल गई, और जिस दिन सांप से ब्याह होने का तारीख रखा गया था।